हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर के कितने पार्ट होते हैं, उसकी फिगर कैसे हमें ड्रॉ करनी है, एग्जाम में क्या लिखना है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे जनरेटर का, फिर सिंक्रोनस का मतलब समझेंगे। जनरेटर यानी क्या बच्चों, कि एक ऐसा डिवाइस है कि जिसको अगर हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं रोटेशन के फॉर्म में, तो ये जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो ऐसा जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। यानी कि ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा एसी आउटपुट, यानी अल्टरनेटिंग करंट देगा हमें। इसीलिए ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है इसे हम एसी जनरेटर भी बोलते है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, सिंक्रोनस जनरेटर यानी क्या, एसी जनरेटर क्यों, सिंक्रोनस जनरेटर हमें अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है। अब हम इसके मेन पार्ट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये आउटर पार्ट मैंने बना के रखा है। ठीक है। अब ये जो आउटर पार्ट है इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि सबसे बाहर का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज स्टेटर फ्रेम, उसके अंदर जो पार्ट दूसरा स्लॉट जैसा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम स्टेटर कोर। और ये स्लॉट्स के अंदर जो राउंड दिख रहा है आपको वो है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है। अब हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्या स्टेटर फ्रेम यानी क्या। तो हम स्टेटर फ्रेम को ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फ्रेम है वो किसके लिए यूज करते हैं, कि ये जो हमारा स्टेटर कोर है, ये स्टेटर कोर है उसको हम मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए स्टेटर फ्रेम का यूज करते हैं। और ये जो स्टेटर फ्रेम है बच्चों, ये माइल्ड स्टील प्लेट से बनाई जाती है, और ये माइल्ड स्टील प्लेट को हम बेंड करते हैं और बाद में उसको वेल्डिंग कर देते हैं, तो ये हमारी स्टेटर फ्रेम बन जाती है। तो यही चीज आपको एग्जाम में लिखनी है, कैसे, यूज टू गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेटर कोर, ये हमारा स्टेटर कोर, एंड मेड बाय बेंडिंग एंड वेल्डिंग माइल्ड स्टील प्लेट्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटर कोर की बात करते हैं हम। अब ये जो स्टेटर कोर जो होता है ये हमारा लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। लेमिनेटेड यानी क्या, आपको मालूम है एक प्लेट लेंगे उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, ऐसे पतली पतली प्लेट हम लगाते जाएंगे और पूरा हम स्टेटर कोर बनाएंगे, उसको बोलते हैं लेमिनेटेड स्टेटर कोर। अब क्वेश्चन आएगा कि लेमिनेटेड क्यों, हम लेमिनेशन हमने क्यों किया, तो जो भी एडी करंट लॉस है उसको कम करने के लिए। और सिलिकॉन स्टील का क्यों मटेरियल लिया स्टेटर कोर में, तो हमें पता है कि अगर हम सिलिकॉन स्टील का मटेरियल लेते हैं तो जो भी हिस्टेरेसिस लॉसेस है वो कम हो जाते हैं, इसलिए हमने ये जो स्टेटर कोर है उसको लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाया है टू रिड्यूस एडी करंट एंड टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है। अब ये स्टेटर कोर जो है उसमें कुछ स्लॉट बनाए गए होते हैं, और ये स्लॉट के अंदर हम क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग। तो स्टेटर कोर के बारे में आप क्या लिखोगे, कि मेड बाय लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। ठीक है। लेमिनेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, एंड सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस। स्लॉट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन इंटरनल पेरिफेरी ऑफ इट, अभी हमने देख लिया। ठीक है। अब हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात करेंगे। अभी आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है बच्चों, सिंपली एक इंसुलेटेड कॉपर का वायर होता है जिसको हम ये जो स्लॉट में है उसमें हम सिंपली वाउंड कर देते हैं, ऐसे कॉइल कॉइल के फॉर्म में स्लॉट में हम वाउंड कर देते हैं। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है बच्चों, ये स्टार कनेक्टेड भी हो सकती है, डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकती है। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग के जो दो एंड्स निकलेंगे, एक एंड से चालू किया और दूसरा एंड निकला, तो जो भी दो एंड्स होंगे आर्मेचर वाइंडिंग के उसको हम टर्मिनल बॉक्स में डालेंगे और टर्मिनल बॉक्स में से हम करंट देंगे। तो अगर करंट दिया तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मोटर रोटर रखेंगे, और रोटर को मैन्युअली जब हम घुमाएंगे तो फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स कट होगा तो रोटर के अंदर कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो ये ईएमएफ करंट इंड्यूस करेगा, तो आउटपुट में हम करंट लेंगे। अब कैसे लेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वो होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस सिंक्रोनस जनरेटर। तो अभी तक के लिए तो हमें इतना ही याद रखना है, आर्मेचर वाइंडिंग यानी क्या, कॉपर कॉइल इंसुलेटेड कॉइल को वाउंड कर दिया, स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है वो, और इसके जो दो एंड होते हैं उसको टर्मिनल बॉक्स में हम रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे कि इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर कोर, ये स्टेटर कोर में रख दिया। दिस वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन
star or in delta, and ends of these windings are connected to terminal box from where current is supplied and magnetic field is produced. ठीक है, यानी अंदर अभी magnetic field produce हो गई है. तो ये सारी बातें थी किसके stator की. अब हम rotor की बात करेंगे जो इसके अंदर हम रखने वाले हैं. अब rotor के basically दो type आते हैं. तो पहला type है salient pole rotor और last type है उसका cylindrical rotor, वो भी हम देखेंगे. तो पहले salient पोल रोटर की बात कर देते हैं. तो ये जो है सेलियंट पोल रोटर का फिगर है. ठीक है, इसमें कितने पोल है, 1, 2, 3, 4. इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहां पे मैंने चार लेके रखे हैं. अब ये जो चार पोल है बच्चों, इसको हम एक व्हील पे माउंट करते हैं. ये हो गया हमारा व्हील. और ये जो व्हील है बच्चों, वो स्टील मटेरियल का बनाया गया होता है. क्यों? क्योंकि स्टील मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, और ऐसी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें जनरेटर में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पोल है पोल के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉपर का वायर ले लिया, उसको ऐसे वाउंड कर दिया, और ऐसे जो वाउंड करके जो भी कॉइल जैसा फॉर्म आया उसको हम बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग बोल देंगे. ठीक है. और बाद में ये जो रोटर है पूरा शाफ्ट पे रखा होता है, शाफ्ट को घुमाना पड़ता है, तो ये पूरा रोटर घूमेगा और करंट इंड्यूस करेगा, एसी करंट इंड्यूस करेगा. और ये शाफ्ट के बाहर ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला सर्कल, दैट इज नोन एज स्लिप रिंग. तो स्लिप रिंग क्या करेगा, हमें एसी करंट देगा. कैसे, वर्किंग प्रिंसिपल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है कंस्ट्रक्शन के लिए. अब ये जो इसका डायामीटर होता है रोटर का, उसका डायामीटर उसके लेंथ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है. यानी अगर डायामीटर इतना है तो उसका लेंथ इतना ही होगा. ठीक है. और ये जो रोटर है बच्चों, वो लो आरपीएम के लिए यूज होता है. जैसे कि हमारा जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, जहां पानी के फोर्स से टर्बाइन घूमती है, तो टर्बाइन की स्पीड बहुत ही कम होती है. तो इस केस में सेलियंट पोल रोटर का यूज होता है. ठीक है. अब एग्जाम में क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखा है पोल्स आर फिटेड ऑन व्हील मेड विथ स्टील हैविंग गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फील्ड वाइंडिंग्स आर वाउंडेड ऑन दी पोल. ये फील्ड वाइंडिंग हो गई. डायामीटर ऑफ रोटर इज मोर देन इट्स लेंथ, अभी हमने देख लिया. यूज फॉर लो आरपीएम, कहां पे, वाटर टर्बाइन में ये यूज होता है. तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बी पार्ट पे जाते हैं. रोटर का दूसरा जो टाइप है वो है सिलिंड्रिकल रोटर. सेलियन पोल हमने समझ लिया, अब सिलिंड्रिकल रोटर के बारे में समझेंगे. तो इस तरीके की आपको फिगर ड्रॉ करनी है. तो ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में होता है, और उसके पेरिफेरी पे कुछ स्लॉट, ये आप स्लॉट देख सकते हो, ऐसे स्लॉट बनाए हुए होते हैं. और ये स्लॉट के अंदर हम क्या करेंगे, हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे. कॉपर का एक वायर लेके उसको ऐसे ऐसे लपेटेंगे तो वो हमारी फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी. ठीक है. अब ये जो सिलिंड्रिकल रोटर है, एक शाफ्ट पे लगाया गया होता है, जिससे करके हम शाफ्ट को घुमाते हैं और एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं. अब अगर मैं एक सिंगल स्लॉट की बात करूं, ये वाला पोर्शन सिंगल स्लॉट, ये स्लॉट आपको दिख रहा है, ये सिंगल स्लॉट की बात करूं, तो यहां पे मैंने ये सिंगल स्लॉट को एनलार्ज करके रखा है. ठीक है. अच्छा, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो स्लॉट है, तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट डाली, ये ब्लैक पोर्शन, इसको बोलते हैं स्लॉट प्लेट. सबसे पहले एक प्लेट मैंने ऐसे करके यहां तक घुसा दी, बस इससे आगे प्लेट नहीं जाएगी. यानी कि यहां पे कुछ होल रहेगा, यहां पे कुछ होल रहेगा, दैट इज नोन एज वेंटिलेशन स्लॉट. अब वेंटिलेशन स्लॉट क्या करेगा, कि हमें पता है कि रोटर घूम रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, तो ये हीट को डिसिपेट करेगा, यानी हीट को बाहर निकालेगा. और हमें ये भी पता है कि अगर कोई वायर में से आप करंट फ्लो कराते हो तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगा. तो वो हीट को भी ये वेंटिलेशन स्लॉट क्या करेगा, उसको डिसिपेट करेगा, उसको निकाल देगा बाहर. तो हमारा मोटर ज्यादा गर्म नहीं होगा. ठीक है. अब इसके अंदर एक स्लॉट प्लेट डाल दिया. स्लॉट प्लेट डालने के बाद हम कॉपर का वायर लेंगे, उसको ऐसे ऐसे से वाउंड करेंगे. तो ये कॉपर का वायर जो वाउंड किया गया है, मैंने दिखाया है, जिसको बोलते हैं कॉपर वायर, जिसको हम बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग. ठीक है. और ये जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों कॉपर वायर की, उसको हमें माइका नाम का एक मटेरियल आता है, उसमें हमने इंसुलेट कर दिया है. यानी ये दो वायर को हमने जो टर्न है उसको बीच बीच में हमने क्या भरा है, माइका भरा है. माइका से क्या होगा, दो वायर इंसुलेट हो जाएंगे, यानी करंट एक दूसरे में जा नहीं पाएगा. ठीक. बाद में
सबसे ऊपर हम लगाएंगे डैम्पर बार, ऐसी दूसरी प्लेट हम ऊपर फंसा देंगे, यहाँ पे एक प्लेट फंसा देंगे, ये साइड कुछ प्लेट फंसा देंगे, ठीक है। अब ये जो डैम्पर बार है बच्चों, वो किस काम आता है, वो एसेंट्रिक लोड बैलेंसिंग के काम आता है। अब एसेंट्रिक लोड यानी क्या, एज फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपने वाइंडिंग किया, यहाँ पे भी आपने वाइंडिंग किया, अब सपोज यहाँ पे थोड़ा वेट ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा वेट कम है, तो जब ये शाफ्ट घूमेगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, क्यों, यहाँ पे लोड सपोज कम है, यहाँ पे सपोज ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, ये एसेंट्रिक बैलेंसिंग नहीं है इसका, क्योंकि अनबैलेंस है तो वाइब्रेशन होगा, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी एसेंट्रिक लोड को बैलेंस करना पड़ेगा। एसेंट्रिक लोड यानी क्या, अनइवन लोड, उसको इवन करने के लिए सारी जगह पे ये डैम्पर बार का यूज होता है। डैम्पर बार का कुछ अलग अलग वेट होता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके वेट, यहाँ पे सपोज 2 ग्राम है तो यहाँ पे कम है 2 ग्राम, तो डैम्पर बार 2 ग्राम का लगा दो, वेट बैलेंस कर दो, तो वाइब्रेशन नहीं होगा, ये यूज होता है डैम्पर बार का। और अंत में ये जो भी असेंबली आपने लगाई उसको ऊपर से हम स्टील वेज दबा के इसको फिट कर देंगे, यानी यहां पे स्टील वेज आ जाएगी और ये पूरी असेंबली फिट हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम में क्या लिखोगे, तो यहां लिखा है इट इज अ सिलिंड्रिकल शेप ऑन विच सम स्लॉट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। स्लॉट प्लेट क्या काम करती है, स्लॉट प्लेट विल मेंटेन द स्पेस फॉर वेंटिलेशन, ठीक है। अब क्या डिटेल में थोड़ा लिख लेना आप। नेक्स्ट है कॉपर वायर, कॉपर वायर इज अ फील्ड वाइंडिंग इंसुलेटेड विथ माइका, वो भी देख लिया। डैम्पर बार क्या करेगा, डैम्पर बार ये वाला इज यूज टू बैलेंस एसेंट्रिक वेट ऑफ रोटर, ठीक है। स्टील वेज क्या करेगी, इट्स यूज टू फिट दिस होल असेंबली, ठीक है। अब हमने देखा कि सेलियंट पोल जो रोटर है बच्चों, वो किसके लिए यूज होता है, लो आरपीएम के लिए यूज होता है, तो ये वाला जो सिलिंड्रिकल रोटर है वो किसके लिए यूज होगा, हाई आरपीएम के लिए यूज होगा, अराउंड 1500 आरपीएम, ठीक है। तो कहां पे ये यूज होगा, ये वाटर टर्बाइन में यूज होगा जहां आरपीएम कम है, तो ये स्टीम टर्बाइन में यूज होगा जहां पे आरपीएम बहुत ही ज्यादा है। तो एग्जाम में डिफरेंस भी पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिलिंड्रिकल रोटर एंड सेलियंट रोटर। तो ये सारी कहानी थी कंस्ट्रक्शन मेन पार्ट सिंक्रोनस जनरेटर की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। सो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।